वहां उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता था, कुछ पीने के लिए नहीं होता था, और उसने स्टोन खा लिए थे, पत्थरों को खाया था। मुझे मुझे डॉग्स दिखते ही नहीं थे पहले, और मैं अब रोड पे निकलती थी, मुझे कहीं ना कहीं बीमार कुछ ना कुछ ऐसा ही डॉग दिखता था जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा मन करता है डॉग को मैं बंद कर दूं। और ऑनेस्टली मैं बताऊं कि कभी भी रीजन ना एनिमल्स की, मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं उसका ट्रीटमेंट ना कराऊं और एक दिन लिख दूं कि रेस्ट इन पीस, वो मर गई इस वजह से। ये तो सबसे आसान तरीका है। आई गेस आपकी और मेरी सोच एक बात पे मिलती है कि फंडिंग की वजह से ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए और कोई भी तरह का ट्रीटमेंट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरा फौना बाय मेशिका। तो आज मैं जहां आपको लेकर जाने वाली हूँ ना, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेल्टर है, कनन एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि रन करती हैं वंदना अंचालिया जी। और यहां पर आप जब देखोगे ना, डॉग्स कैसे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और ओपनली घूम रहे हैं, उनको केज में नहीं रखा गया। और यहाँ पर लिमिटेड डॉग्स आते हैं, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड डॉग्स आते हैं, डॉग्स आते ही रहते हैं, बहुत लिमिटेड एडमिशन होते हैं, स्पेशली वो जिनके क्रिटिकल केयर चाहिए होती है। तो हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कनन एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन। गाइस आज मेरे साथ हैं वंदना अंचालिया। तो इनको मैं जानती तो बहुत टाइम से हूँ, शायद जब मैंने शुरुआत की थी एनिमल वेलफेयर में लोगों से मिलना, तो सबसे पहले जो शेल्टर का मुझे पता चला था वो इन्हीं का शेल्टर था, कनन एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन। तो आज हम इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने ये सब चीजें शुरू करी। एक छोटा सा शेल्टर था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब इतना बड़ा हो गया और इतना ब्यूटीफुल है ये जगह। आप देखोगे ना, आप कहोगे वाह क्या, मतलब डॉग्स की लाइफ क्या है यहाँ पर, जैसे शायद फॉरेन में होती होगी, वो यहाँ पर बहुत प्यारा बना रखा है। तो हाय मैम, कैसे हो आप? मैम थैंक यू कि तुम्हें फाइनली टाइम मिल गया, क्योंकि आई थिंक जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे शेल्टर पे आई थी, जब 2017 जब हमने नोएडा वाला स्टार्ट किया था, नो 2016, तो मैं तुमसे नहीं ड्रॉप करके, अच्छा मैं तुमसे नहीं मिली, मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली थी जब तुम हमारे नोएडा के बड़े वाले शेल्टर में आई थी, तब हम 17 में आए थे, तब हमारा पूरा ग्रुप आया था। करेक्ट करेक्ट, मुझे वही याद है क्योंकि मैं तुमसे उस टाइम मिली और मैं अब यहाँ पर आई। खैर मैंने आपको बहुत तंग किया है, और मैं 2016, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू नो डैनी ही पास्ड अवे जल्दी, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा, गुड सी डॉग मेक्स यू मीट गुड पीपल, ऐसे ही तो कनेक्शन करते हैं। सो इट्स गुड कि मतलब तुम्हारा और मेरा रिलेशन इतना अभी तक चलते आ रहा है। तो गाइस डैनी, डैनी मेरा एक रेस्क्यू डॉग था, रेस्क्यू डॉग नहीं, रेस्क्यू पपी था, छोटू सा था, शायद वो उस टाइम पे 1 or 2 months का रहा होगा। हाँ, तो उसको वो एक जगह पे रहता था जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे वो लिटर हुआ था, वहाँ उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता था, कुछ पीने के लिए नहीं होता, ने स्टोन खा लिए थे, पत्थरों को खाया था। और जब मैं उसे एक शेल्टर लेके गई, उन्होंने कहा कि इसकी रिब्स टूट गई है, इसे पीटीएस करो। मैंने कहा पीटीएस तो मेरे टाइम में अभी, मतलब बिना कुछ ट्राई करे मैं पीटीएस तो नहीं करती। उसके बाद फिर मैंने वंदना मैम से कनेक्ट किया और मैंने बात करी कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक पपी है, उसका अगर आप ले पाओ, तो इन्होंने इमीडिएटली बोला ओके अभी भेजो डायरेक्ट मैक्सवेट। मैंने रात को उस पपी को मैक्सवेट भेजा और वहां पे एक्सरे में पता चला था कि उसके स्टोन है पेट। फिर मैम ने बोला कि अगर ये दवाइयों से निकल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकले तो फिर देखो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, तो छोटू से
बच्चे की, बट फॉर्चुनेटली वो दवाइयों से सब पूप आउट हो गए थे. और उसके बाद भी थोड़ा उसको प्रॉब्लम्स थी, रिकेट का भी प्रॉब्लम था. उसके बाद भी ऐसा नहीं है मैंने डॉगी वापस ले लिया तो इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी. नहीं, मुझे फिर भी बोला तुम मैक्स वाइट जाओ, जो भी खर्चा होगा हम देख लेंगे. क्योंकि मैं भी उस टाइम पर इतना ज्यादा अर्न नहीं करती थी, बट मेरा इतना सपोर्ट उन्होंने करा. उसके बाद धीरे धीरे करके वो ठीक हो गया, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था. सबसे शैतान मेरा आज तक का सबसे शैतान पपी वो रहा है. उसने दीवारें खाली मेरे घर की, जालियां खाली मेरे घर की, सारे दरवाजे तोड़ दिए भाग भाग के. बट ही वो सच अ क्यूट बेबी, मेरी जान था वो. आई थिंक डैनी जब था तो हम बात भी शायद ज्यादा करते थे. हाँ, उसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करती थी, आपसे बात होती थी. तो वो एक मीडियम था जो मैं आपसे कनेक्ट हुई इतना ज्यादा. एंड आई एम सॉरी, आई नो तुम इतने केसेस बोलती रहती हो, हमेशा मना करती रहती हूँ, बट तुम इतना पेशेंटली समझती हो उस चीज को कि ऐसे ही नहीं मना करते. कुछ ना कुछ रीजन होगा, जगह नहीं होगी, कोई ना कोई हमेशा रीजन होता है. लाइक हमेशा, मतलब कॉ का भी ऐसा सिचुएशन है कि जिस दिन हम अपना एडमिशन ओपन करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी 15 पेंडिंग केसेस होते हैं पहले के, जो कि लोगों ने बोल रखे कि आप जैसे ही ओपन करोगे आपको लेना है. तो अगर हमने कमिटमेंट कर दी होती तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि वापस से कुछ नए केसेस लेना. और हमारा एक लिमिट है, हम उससे ऊपर इसलिए नहीं लेते हैं. इन्फेक्शन हो जाता है, स्टाफ नहीं मैनेज कर पाएगा, बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी. तो कई बार बहुत कम लोग हैं जो इन सब बातों को समझते हैं, लेकिन आई थिंक जो मेरे साथ बहुत सालों से मुझे जानता है या काम करे, एटलीस्ट वो समझते हैं. थैंक यू कि तुम समझते हो. बट मैं जब भी कोई डॉग आपके पास भेजती हूँ ना, तो मेरे मन में ये क्वेश्चन नहीं होता कि मैं आपसे पूछूं क्या हुआ उसका. बिकॉज आई नो अगर जितनी केयर मैं दे सकती हूँ ना, आप उससे बढ़कर ही शायद मैं कहीं ना कहीं लैग कर जाऊंगी कि मैं नहीं कर पा रही. क्योंकि देखो हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता. मैं रेस्क्यू कर सकती हूँ, मैं आपको अप्रोच कर सकती हूँ, और मुझे पता है मैं वही डॉग्स आपके पास भेजती हूँ जिनको जेन्युइनली क्रिटिकल केयर चाहिए होती है. और जो आपका यूनिट भी इसीलिए है जो क्रिटिकल केयर को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है. और मेरे इतने डॉग्स आए हैं, ठीक होके भी गए हैं, कुछ परमानेंट भी रहे हैं. I am very happy and I am satisfied जो भी आप करते हो. और आप animal welfare में, मतलब जो मेरी favorite की list में ना, उसमें आप बहुत अच्छा number पे stand करते हो. तभी मेरा हमेशा यही रहता है, आपसे पूछा ठीक है अगर लेते हो तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे दूसरा क्वेश्चन नहीं करना. नहीं लेते तो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि हर किसी की limitations होती है. हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, नहीं आप लोग, which is not right. और ऑनेस्टली जब मैंने वेलफेयर स्टार्ट किया था तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी, मतलब मेरा अपना जो एक्सपीरियंस आज तक रहा है कि जब भी मैंने इमोशन में आके कोई डिसीजन लिया है जस्ट बिकॉज कि मैं प्रेशर्ड हो गई या मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये, मतलब बहुत बार बोल दिया, वो डिसीजन कभी राइट नहीं हुआ. उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आउटकम हुआ है उसका कि वो बहुत ख़राब हुआ है. तो मतलब मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आप जब रेस्क्यूअर होते हैं आप इमोशन से रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन जब आप शेल्टर चलाते हो तब आप इमोशन से शेल्टर नहीं चला सकते, क्योंकि तब आपके ऊपर सिर्फ एक डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. कई बार लोग ऐसा होता है, आप जब डिस्टेम्पर वाले डॉग को मना कर देते हैं, काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, उनको लगता है कि उसको भी ज़रूरत है. अग्री, उसको बहुत ज़रूरत है, लेकिन इज इट राइट कि जो आपके पास 6 हेल्दी डॉग्स हैं वो आपके बिकॉज इमोशन में आके इस डिस्टेम्पर का डॉग ले लिया, और आपकी यूनिट इक्विप नहीं है उस केस को हैंडल करने के लिए, और आपने उसको ले लिया, वो 6 बच्चे जिनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, जो हेल्दी वो भी मर जाते हैं. सो वो आई थिंक वो चीज ना अभी भी समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. और मैं उनको ब्लेम भी नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप शेल्टर नहीं चलाते ना, तब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आती. मुझे भी नहीं आती थी. अगर आज से 10 साल पहले जब मैं रेस्क्यू खुद करती थी, मुझे भी लगता था कि कुत्ते क्यों मर गया वहाँ, कुत्ते क्यों मर रहे हैं, या क्यों मर गया ये, इसको क्यों ऐसा हो गया. अब मुझे समझ में आता है कि सब ओवरवेल्म्ड है, और ना किसी को बोलना आता नहीं है, और ना बोलने की रेपोकेशन मैं देख चुकी हूँ. तो मुझे पता है कि लोग क्यों ना ही बोल पाते. बट आई थिंक इंटेलिजेंट थिंग टू डू इज दिस ओनली, कि जो आपसे जो अच्छे से हो पाता है उसको, अगर एनिमल शेल्टर में आपके डॉग के साथ क्वालिटी हो रही है तो वो सबसे खराब चीज है. तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो मत लो, कर सकते हो तो तभी से करो. मतलब मेरे को लगता है हर डॉग डिजर्व करता है उसको एकदम अच्छे से ट्रीटमेंट मिले. उसके बाद नहीं ठीक होता तो फिर उसकी डेस्टिनी है और आप उसको कुछ कर नहीं सकते. बट ये तो इतना तो लोगों को समझना पड़ेगा.
वहाँ पे आप कुछ करोगे वहाँ पे पीछे ना लोग पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, नॉट रिलेटेड टू एनिमल ओनली, आप अपनी लाइफ में भी कुछ करोगे ना, एक्स वाई जेड लोग आपके पीछे आएंगे, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनके उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इफ यू सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ना, कि जब तक आप लेमैन होते हो किसी को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने एनिमल वेलफेयर स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि अब तो यू नो आई एम डूइंग गॉड्स वर्क, गॉड्स वर्क इन द सेंस कि दिस इज गॉड्स वर्क राइट, कि भगवान लोगों को बनाते हैं कि कोई कुछ अच्छा करे दुनिया का। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बट मुझे पता चला जितनी गालियां मैंने अच्छा काम करने के बाद सुनी है ना, उतनी तो मैं जब तक एक नॉर्मल, मतलब आई एम स्टिल अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब तक मेरी रेस्क्यू नहीं थी तब तक भी इतनी गालियां नहीं सुनी मैंने जितना कि मुझे लगता है रेस्क्यू करने के बाद सुनी है। सो दैट मेक्स मी फील कि हाँ, पीपल जेन्युइनली आर गोइंग टू क्रिप अबाउट यू, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो। सो एज लॉन्ग एज आपका यू नो योर कॉन्साइंस इज क्लियर एंड यू नो कि आप क्या कर रहे हो, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आई थिंक नथिंग एल्स रियली मैटर। अब तो 3-4-5 सालों के बाद तो मैंने यही समझा है, पहले तो मैं बड़ा वो हो जाती थी, फर्स्ट ईयर तो मैं मतलब इतना, अगर कोई कहीं कुछ पढ़ लेती थी सुन लेती थी या किसी से कुछ सुन लेती थी कोई ऐसा बुरा, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्यों सुन रही हूँ मैं ऐसा अपने बारे में। बट देन आई स्लोली स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, जो हमारा फोकस है वो बच्चे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। एंड आई थिंक By God's grace, कॉ में सब कुछ ठीक ही चला है, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं होती हैं, यहाँ पे भी होती है, स्टाफ गलतियाँ करते हैं, कभी कोई गलत स्टाफ भी आपको ज्वाइन कर लेता है, वो गलती कर लेता है, लेकिन द बिगेस्ट थिंग इज कि अगर आप अपनी गलती से लर्न कर रहे हो, उसको रेक्टिफाई करते जा रहे हो, सी बंद करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है सब। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी बड़े बड़े शेल्टर्स में कुछ होता है, लोग डालते हैं, हमें भी टाइट करते हैं, अरे आप इसको रिपोस्ट, मैं नहीं करती क्योंकि मुझे पता है यार ओनर जो है वो जेन्युइनली जानवरों को प्यार, वो प्यार करता है। अब मैं 24/7 यहाँ पे नहीं होती हूँ, कभी कोई स्टाफ है वो इल इंटेंशन से ही उसने ज्वाइन किया होगा और कल को कुछ करके चला जाए, तो उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी हो सकती है कि मैं उसको निकाल दूँ या मैं उसको उस चीज को ठीक कर दूँ ताकि वापस से नहीं हो। बट इट डजंट मीन कि आई वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज आई डोंट। बट जो भी चीज आप अपने हाथ से नहीं कर रहे, किसी और से करवा रहे हो, उसमें आप कभी उसकी गारंटी ले ही नहीं सकते। आप सिर्फ उसको बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश कर सकते, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सो आई थिंक अगर आप 90% वहां हो तो जैसा, तो मैं 100% तो सोचती हूं कि 100% कभी हो ही नहीं। आपका मतलब आप रेस्क्यू करना क्यों शुरू हुए, ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि चलो मुझे एनिमल्स के लिए काम करना? सो रेस्क्यू तो तुमने भी बहुत बार पढ़ा होगा, मैंने काफ़ी और बोला है कि रेस्क्यू तो बाई एक्सीडेंट ही स्टार्ट हुआ मेरा, और ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस भी नहीं था कि ये शेल्टर चलाना है और ये करना है वो करना है, क्योंकि अब 10 साल बाद मुझे लगता है कि उस दिन क्या हुआ था मुझे कि ये सोचा मैंने कि मुझे ये चलाना है। मतलब उस टाइम तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि अरे डॉग्स करेंगे तो लोग तो इतना खुश होते हैं, इतना प्रेज करते हैं, बट बाद में समझ में आया कि सिर्फ प्रेज नहीं होता है, आपको बहुत बुरा भी सुनने और हर दिन एक जैसा नहीं। लेकिन आई थिंक वो जो मेरे नेबर एक डॉग को मार रहे थे उस टाइम पे, मुझे मैं नई नई आई थी यहाँ पे, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था तो पता भी नहीं था कि एनजीओस कुछ होते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये शेल्टर्स होते हैं। तो एक डॉग को कोई मेरे घर के आसपास मार रहा था और मैंने पुलिस को फ़ोन कर लिया, मुझे लगा कि कोई क्यों मारता था, पुलिस को ही फ़ोन करते हैं। तो पुलिस ने फिर मुझे बताया कि हमारे में इनके अलग शेल्टर्स होते हैं और ऐसे एनजीओस होते हैं, तो संजय गांधी करके आप उनको कॉल किया। तो मैंने वहाँ कॉल किया तो अंबिका मैम ने फ़ोन उठाया और अंबिका मैम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही थी, फटाफट बोला टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे लगा कि ऐसे क्यों बात कर रही है मुझसे, अब मुझे समझ में आता है कि सब ऐसे हो जाते हैं 10 साल बाद, मैं भी ऐसी हो गई हूँ। तो वो फर्स्ट डॉग वहाँ गया PFA, वो बचा नहीं, एंड उसके बाद पता नहीं आई डोंट नो शायद ये होना था या कहते हैं कि आपके कुछ लिखा होता है नसीब में। मुझे ऐसा लगता था मैं रोड पे निकलती थी मुझे कुत्ते ही कुत्ते दिखने लग गया अचानक से, मुझे डॉग दिखते ही नहीं थे पहले, और मैं अब रोड पे निकलती थी मुझे कहीं ना कहीं बीमार कुछ ना कुछ ऐसा ही डॉग दिखता था जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, और इतनी बड़ी थी 26 ईयर्स की थी, 26 साल में कभी नहीं दिखा, और जैसे ही ये किया वैसे ही कुत्ते ही कुत्ते दिखने शुरू हो गए। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब
कुछ रेस्क्यू किए, 30-40 डॉग रेस्क्यू किए होंगे कहीं कहीं, जहाँ जहाँ हम जानते थे जिन जिन शेल्टर्स को वहाँ छोड़ा। अनफॉर्चुनेटली एक या दो डॉग के कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। और उस टाइम हमें इतना फंक्शनिंग पता नहीं थी शेल्टर्स की, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, कोई डिस्टेम्पर से मर गया, कोई पार्वो से मर गया। अब वही बात है कि उनको जाके ब्लेम करना तो बहुत आसान है, कहीं पर आई एम श्योर 80% केसेस में केयरलेसनेस भी हुई होगी, क्योंकि अब मैं शेल्टर चला रही हूँ तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक मुझे पता नहीं है तब तक तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। उस साइड पे खड़े होकर बोलना तो बहुत आसान है ना कि आप ये कर लेते, आप वो कर लेते, आप ऐसा कर लेते, क्योंकि मुँह से बोलना में तो कुछ ना पैसे लगते हैं, ना टाइम लगता है, ना एफर्ट लगता है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि यार सबकी एक ही हालत है, सब ओवर स्ट्रेच्ड है, रिसोर्स क्रंच। और एक जो मुझे अभी भी ऐसा लगता है ना कि मुझे लगता है रेस्क्यू सब करते हैं, लेकिन ना पता नहीं, हो सकता है नॉट दैट कि मैं अपना कुछ पोस्ट कर रही, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना जो वैल्यू है ना एक इंडियन डॉग की, वो एक इंडियन डॉग की तरह ही ट्रीट करते हैं उसको, कि मतलब अगर ऐसा लगेगा ना लाख रुपए लगने वाले हैं तो वो पैसा कोई नहीं खर्च करना चाहता उसके ऊपर। उसको लगता है कि ठीक है मर भी गया शेल्टर में तो कल कौन पूछेगा आपसे, राइट। वो मुझे लगता है वो अभी भी एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है माइनस पॉइंट है। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है ना, फंडिंग ही नहीं होती। आई अंडरस्टैंड, बट मिशिका मुझे देखो, मैं जनरली एक बात बता रही, कॉ भी चल रहा है और तुम्हें पता है कि कॉ के ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे होते हैं। अगर मेरा जैसा बंदा जिसको कुछ नॉलेज नहीं था, अगर वो जाके अपील डाल के फंड इकट्ठे कर सकता है, जेन्युइनली आप अपना काम दिखाओगे, अच्छे लोग हैं दुनिया में जो डोनेट करते हैं। मैं अपने घर से तो पैसा दे नहीं रही, दे नहीं सकती, है ही नहीं उतना, तो आ ही रहा है कहीं से, तभी इलाज करवा पा रहे हैं। थैंक गॉड कि मैक्सवेट्स भी हमारे साथ इतनी अच्छी पार्टनरशिप है कि आज तक कभी उन्होंने मुझे फोन करके ये नहीं बोला कि बिल पे कर लूँ, चाहे 5 लाख पहुंच गया हो, चाहे 6 लाख पहुंच गया, मैं 8 महीने में दूँ, मैं 7 महीने में, उनको पता है दे देंगे। वो एक मेरे पास प्लस पॉइंट है, बट आई एम श्योर कि अगर मेरी जैसी पार्टनरशिप कोई और भी करता तो उनको भी वही लीवे मिल जाता। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो थॉट प्रोसेस का भी इशू है, लोगों को लगता है कि यार 1 लाख में 10 डॉग बच जाएंगे, बट बात यार 10 डॉग बचाने की है ही नहीं ना यहाँ पे। बात तो यही है ना कि जो सफर कर रहा है आप उसको क्यों नहीं पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा, मतलब फिर आप डी वैल्यू तो कर ही रहे हो ना उसकी लाइफ कहीं ना कहीं, कि चलो इसमें 10 हो जाएंगे तो एक मर भी रहा है। वो मुझे अभी थोड़ा सा, मेरे लिए वो मेरा बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है, एंड आई थिंक इसीलिए मैं टेक्निकली कॉ जिस टाइप्स और जिस स्केल पे चल रहा है, मेरे पास तो 1000 कुत्ते होने चाहिए अभी तक, और इससे भी बड़ा शेल्टर होना चाहिए। बट आई थिंक वो जो मेरा एक मेंटल ब्लॉक है ना कि एकदम अंदर तक जब तक पहुँच नहीं जाते कि क्या हुआ है, क्यों ठीक नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वो आई थिंक जब तक मेरा क्लियर नहीं होता ना, मैं उसको छोड़ नहीं पाती। और आई थिंक इसीलिए हम कम डॉग्स लेते हैं, क्योंकि मेरे में है ये, मतलब मुझे तो लगता है ये प्रॉब्लम भी और ये अच्छी चीज़ भी है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है मेरा। स्ट्रेस होता है आपको? स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस तो बहुत है। मतलब एनिमल्स को रेस्क्यू करते हुए आपको स्ट्रेस इस तरह से हुआ है कि मतलब ऐसा सी स्ट्रेस होता है, नो डाउट स्ट्रेस होगी, ज्यादा से ज्यादा ऐसा फील होता है कि यार इसको बंद कर दो, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा मन करता है कॉ को मैं बंद कर दूँ। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि कभी भी रीजन ना एनिमल्स नहीं होते, मुझे ना केसेस कितना भी बुरा केस हो जाए ना मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं छोड़ूंगी तो हूँ नहीं, मैं चाहे जो भी होगा जहाँ लेके जाना होगा जाऊँगी। बट मेरे को ना प्रॉब्लम होती है इंसानों से, जो फालतू बातें करते हैं ना, जो काम भी नहीं करते हैं और दूसरे को करने भी नहीं देते। अच्छा अब टेक्निकली देखा जाए तो कोई अपने घर में बैठ के मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार आप कर रहे हो, अब आप मेरे शेल्टर पे बैठे हो, अब सोचो यहाँ पे पूरे दिन जो बैठा होगा उसकी क्या हालत होगी। मैं तो घर पे बैठी हूँ, मैं यहाँ पे दो तीन बार आती हूँ, लेकिन जो पूरे दिन से जो स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ है, इतनी धूप इतनी गर्मी में, अभी का एक बार टेम्परेचर देख लेते हैं क्या हो रहा है, 43 टेम्परेचर है अभी, तो हम 43 टेम्परेचर में बैठे हैं। करेक्ट, अब आप सोचो कि यहाँ पे जो स्टाफ पूरा दिन कर रहा है, पूरा दिन लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, काम कर रहा है, कितना थक जाता है। तो और उसके बीच में आप सोच सकते हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं होता है, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, रियलिटी में स्टाफ मिलता ही नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल है कि आप सुबह उठे और अचानक से एक ने बोल दिया मैं जा रहा हूँ, या दो ने बोल दिया मैं जा रहा हूँ, काम नहीं हो पा रहा है, या कोई भी रीज़न होता है। जैसे ही कोई स्टाफ 2-4 साल आपके पास काम कर ले,
गया था, उसको लगता है मुझे सब आ गया है, फिर वो सोचता है मैं कहीं और चला जाऊँ। तो स्टाफ को रिटेन करना भी बहुत मुश्किल है, और थैंकफुली हमारे एनिमल शेल्टर्स इतने अच्छे कि पोच ही कर लेते हैं स्टाफ को, उनको समझ ही नहीं आते कि मतलब क्या मैं किसी के बारे में क्या बोलूँ, बट ये भी गलत चीज़ है। मैंने तो आज तक गाँव में कभी किसी का स्टाफ नहीं रखा कि मुझे ऐसा लगता है कि यार उसके यहाँ से दो स्टाफ कम हो गया, उसको भी इतना ही स्ट्रेस होगा ना यार, उसके पास भी तो डॉग है, अगर मेरे पास है तो उसके पास भी है, लाना होगा नया लाऊंगी ट्रेन करूँगी किसी और का स्टाफ, बीच में से ज़्यादा पैसे लेके ले लेने से क्या ही। और अगर किसी ने निकाला है स्टाफ उसको तो बिल्कुल ही हायर नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि किसी ने निकाला है तो डेफिनेटली कोई रीज़न होगा, इतनी मारा मारी हो रही है, इतना स्ट्रेस है इस चीज़ को लेके कि स्टाफ नहीं है, रिसोर्स नहीं है, फंड्स नहीं है, तो ये सारे फैक्टर ना बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं जब आप शेल्टर चला रहे हो। स्पेशली मेरे को लगता है रिसोर्स मतलब स्टाफ का क्रंच तो हमेशा ही रहता है शेल्टर में, फंडिंग ऑन एंड ऑफ कभी ठीक होती है तो बहुत ठीक चलती रहती है, अभी पिछले आई थिंक 5-6 महीने से कॉ की फंडिंग बहुत बहुत स्लो हो गई है, तो हम काफ़ी डाल रहे हैं, थैंकफुली लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं धीरे धीरे करके, हम अपनी डेट्स भी क्लियर कर रहे हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आप जेन्युइनली आप एफर्ट पुट कर रहे हो और अगर आप अपडेट्स डाल रहे हो तो लोग डोनेट करते हैं। मेरे लिए तो ये सोशल मीडिया बहुत स्ट्रेसफुल है ऑनेस्टली, जब 3 साल पहले मेरे स्टाफ ने मुझे बोला कि मैम ये रील बनानी होगी और ये गाने लगाने होंगे, मुझे तो बड़ा, मैं तो मतलब 6 महीने तक तो मेरी और मेरे टीम की इस चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, मतलब एक कुत्ता बीमार है उस पर तुम ये क्या दिल हारा हारा सॉन्ग लगा दिया है, मतलब ये क्या है, मतलब मैं मुझे ना ये बड़ा अजीब सा और बड़ा ही अनयूजुअल लगता था कि ये क्या हो रहा है, तो कितना मर रहा है उस पर आप ये सोच रहे हो कि इस पर कौन सा ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाना है मुझे या इससे किससे चलेगा ये, मतलब वो बेचारा मर रहा है। एंड फिर वही है टाइम के साथ यू नो सबको चेंज होना पड़ता है, बट अभी भी अगर मुझे कोई बोल देना कि रेस्क्यू करते टाइम कैमरा ऑन कर लो और पहले वीडियो बनाओ कुत्ता मर रहा है उसको मरने दो और अपनी एडिटिंग सही कर लो, वो तो मतलब मुझे लगता है कि ना चले मेरा पेज मुझे चल जाएगा, बट ये तो आप मतलब आप फिर अपने अपना कॉन्साइंस बेच दिया आप उसके बाद, तो अगर आप ये सब कर लो तो अभी भी थोड़ा सा मतलब मुझे अजीब लगता है ये सब, बट वही है कि अब टाइम के साथ यू नो जो जितना बैलेंस करके हम कर सकते। मैंने जो मिसेस इंडिया के लिए जो पार्टिसिपेट किया था ना उसका दो बहुत बड़े रीज़न यही थे, एक तो कोविड में करने के लिए कुछ था नहीं, सब ऐसे बोर हो गई थी मैं घर में, बट फिर मुझे लगा कि यार एनिमल वेलफेयर के बारे में कोई बात नहीं करता तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी तो एटलीस्ट बोल पाऊंगी। इनफैक्ट मुझे पैजेंट के टाइम पे, मैं नाम नहीं लूंगी, बट मेरे कुछ मेंटर्स थे वो मुझे कहते थे कि नहीं यार एनिमल वेलफेयर के बारे में बात मत करो, ये इसको कुछ वो नहीं मिलेगा यू नो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, आप बात करो कि बच्चों के बारे में, डिवोर्स वुमेन के बारे में, मतलब ये एम्पावरिंग टॉपिक्स। मैंने ना कोई फर्क नहीं, मैं हार गई, मतलब आई डिडंट विन द टाइटल, आई जस्ट वन द पीपल्स चॉइस बिकॉज पीपल हु रेजोनेटेड विद मी रियली लाइक मी, सो आई वन द बट आई केम हियर ओनली टू टॉक अबाउट एनिमल्स। चलता है चलेगा, अगर मैं 1000 लोगों को भी रीच कर रही हूँ तो इट्स ओके, बट पीपल शुड नो, एंड सरप्राइजिंगली वहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है कि आप रेस्क्यू करते हो या ऐसा कुछ चलता है या ऐसा कुछ होता है, सो आई थिंक दैट वॉज गुड। लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा मेरा वो जो एक कैमरा शाइननेस है ना, क्योंकि पेजेंट में क्या होता है जब आपको रैंप वॉक करने बोलते हैं वो एक तरीके से स्विमिंग पूल है, आपको डाल दिया उसके अंदर, आप या तो आप डर जाओगे या आप बोल दोगे, तो वो जब 2-3 बार वहाँ पे किया उसके बाद मतलब उतना शाई नहीं हूँ, बट फिर भी अभी भी ऐसे लगता है कि मतलब ऐसे कैमरा लगा के और कुछ बोलना चाहती तो मैं हूँ कि मैं बहुत बोलूँ, वांट टू टॉक अबाउट रेस्क्यू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना शेल्टर कैसे रन करता है, रेस्क्यूअर्स कैसे होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है ना, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो आपकी एक पोस्ट देखते हैं उनको लगता है कि यार आप तो बहुत मज़े कर रहे हो लाइफ में, आप तो सब ठीक चल रहा है आपकी लाइफ, आपको कोई आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ। मतलब मैं सुबह उठती हूँ, अगर 7 बजे या 5 बजे कोई कॉल आ जाता है ना, मुझे मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है, मुझे लगता है कुछ हो ही गया है शेल्टर में, और कुछ होता ही है तभी आता है राइट, तो आपका दिन कभी एक जैसा नहीं होता, बट ये लोगों को कभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन कैमरा नहीं लगा हुआ है, या हम पूरे दिन का आपको वीडियो नहीं बना के दिखा सकते कि क्या होता है। आप एक डॉग की पोस्ट देखते हो, उसके अलावा भी अभी हम जैसे रोज डालते हैं रेस्क्यू वाले डॉग है वो डाल दी, बाकी तो आप डाल ही नहीं, बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है वो दिख ही नहीं रहा, तो बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं आप लाइव वीडियोस करो ब्लॉगिंग करो, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ से पूरे दिन से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, हम क्या मतलब क्या करें, कब बैठे कब बनाएं, क्योंकि ये प्रायोरिटी है राइट, मतलब दिस इज फाइन दिस इज एडिशनल, बट ट्रीटमेंट इज द प्रायोरिटी हमारे लिए,
जब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इसमें एकदम यू नो 95% पक्के हो जाएंगे ना, उस दिन हम वो भी करना स्टार्ट करेंगे. बट दिस हैज टू बी परफेक्ट. वो मतलब वो मेरा आई एज आई सेड मेरे बड़े मेंटल ब्लॉक्स सब चीज़ों को लेकर. मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जो हमारा कोर काम है उसमें हमारी परफेक्शन नहीं हो तब तक दूसरा कुछ एडिशनल शुरू करना और फिर इसको सफर कराना इज नॉट राइट. सी मैं कितने भी एजुकेशनल वीडियो बना लूं अगर डॉग्स मरने लग गए यहाँ पे और उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगा उन वीडियोस का कोई फायदा नहीं है राइट. सो वो है तो एक आपने डॉग रेस्क्यू करा था उसकी अपने ब्रेन सर्जरी करवाई और वो न्यूज में भी आया था. मैंने न्यूज पेपर में भी मेरे फादर लेकर आए कि देखो देखो डॉग की ब्रेन सर्जरी हुई. मैंने कहा आई नो हर. अरे इन्हीं की ऐसे तो मेरा डैनी आया था. तो उसके बारे में मतलब आई गेस यू आर द ओनली वन जिन्होंने ब्रेन सर्जरी करवाई है अभी तक इंडिया में और कोई मैंने अभी तक कोई केस नहीं देखा. तो उसके बारे में आपको क्या. तो वो डॉग डॉग्स का वाइट कलर की एंड हुआ ये था कि मेरी घर पे थी और आई थिंक उसको हाइड्रोकेफेलस और मुझे याद है कि जब वो आई तो मैंने ऑब्वियसली कुनाल 40% कोई भी प्रॉब्लम अब ये वाली सर्जरी कभी हुई नहीं है इंडिया में. हमने मतलब मैंने की है बट मैंने अपनी पढ़ाई के टाइम पे की है तो बट किसी एनिमल पे की नहीं है. तो इवन कुनाल वाज नॉट अग्री टू डूइंग अ सर्जरी विदाउट हैविंग डन इट बिफोर बिकॉज ही सेड दिस विल बी रॉन्ग ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो नहीं है डॉग. लेकिन वो ही है ना कि मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जब तक उसके अंदर तक घुस नहीं जाती थी कि क्या है इसका क्या निकाल सकते हैं तोड़. तो दो तीन दिन तक मैं सोचती रही. उसके बाद मैंने कुनाल से फोन किया. समहाउ एक बहुत अच्छी बात है कुनाल की मतलब डॉक्टर कुनाल ने कि वो कभी ना मतलब मैं कितनी भी क्रेजी आइडियाज बता दूँ ना कि ये कर लेते वो कर लेते वो कभी मुझे मना नहीं करता. हमेशा यही है कि हाँ ठीक है कर लेते हैं बिकॉज ही नोज कि अगर वो बोल रही है तो वो उतना एफर्ट भी करेगी लाइक पोस्ट ऑप केयर भी अच्छे से करेगी. तो मैंने उसको फोन करके बोला कि मैं बाहर से डॉक्टर बुला लूँ. तो उसने कहा बाहर से मैंने कहा जो मतलब ये ब्रेन सर्जरी करते हैं उनको लिखती हूँ मेल कोई आ जाता है तो तुम उनके अंदर उनके गाइडेंस में कर लो. एंड ही डिडंट एक बार भी उसने नहीं बोला कि तुम पागल है या तुम तेरा दिमाग ठीक नहीं है तो कहाँ से बुलाई. हाँ प्लान करेंगे सर्जरी कर. तो मैंने रात को बैठ के कम से कम 200-250 ईमेल्स लिख दी सब जितने ब्रेन सर्जन के ये वाले जो सबको लिख दी. उनमें से 3 का रिप्लाई आया और नसीब की बात है जिसके अंडर कुनाल ने ट्रेनिंग की थी उसी का रिप्लाई ही था उसमें भी. और मैंने कुनाल को 3 रिप्लाई भेजे. कुनाल ने कहा ये तो कोई प्रोफेसर है जिनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की है तो अगर ये आ जाए तो नथिंग लाइक इट. इन दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं. तो वो डॉक्टर को फिर हमने उनकी टिकट बनाई उनको बुलाया किया सब कुछ किया. बट अनफॉर्चुनेटली जब तक ये 1 महीने में पूरा प्रोसेस हुआ गूस का बहुत एडवांस लेवल पे उसका फ्लूड कट चुका था. एंड इवन दो वो जो हमें लगाना था इंस्ट्रूमेंट जो भी उसके अंदर लगा था उसके लगने के बाद भी जब वो जो उसका फ्लूड निकल रहा था वो उतने मतलब क्योंकि फ्लूड निकलने की एक अपनी स्पीड होती है एक एक बूंद करके निकलता है. लेकिन जो अंदर भर चुका था वो ऑलरेडी एक डेंजर लेवल से ऊपर भर चुका था. तो वही है कि वो उसकी वजह से उसको बचा नहीं पाए. बट एक कहते हैं ना कि मे बी वो एक इनसाइट था या मतलब क्या भगवान चाहते होंगे कि ये वो घुस तो सी अगर हम उसकी नहीं कराते सर्जरी तो भी वो चली जाती बिकॉज अल्टीमेटली उसका टाइम तो था. अगर ये सक्सेसफुल हो जाती जिस तरीके से हमने सोचा था तो वो भी बच जाती. लेकिन उसके बाद जितने भी सर्जरी दोनों बच्चे बच गए क्योंकि हमारे इंडियन डॉक्टर्स ने बड़े बड़े 4-5 सीनियर डॉक्टर्स ने फिर डॉक्टर कुनाल मिलकर ये सर्जरी उनके अंडर सुपरविजन में करी थी. तो उसके बाद मुझे पता है जिसके बाद भी ब्रेन सर्जरीज हुई बहुत 3-4 उन्होंने करवाई है और वो सारे बच्चे बच गए. इसके बारे में मुझे नहीं पता था कि आपने उसके बाद भी करवाई है. हमने नहीं करी है कुनाल ने अपने पेशेंट्स में करी है और जितनी बार करी है हर बार कुनाल ने मुझे वो वीडियोज भेजी है कि मैंने ये करी ये ठीक हो गया देखो चल रहा है अच्छे से और मेरा सब कुछ ठीक हो गया. देखो आपने थोड़ा सा इंसिस्ट किया. मेरा जी मेरा जो मेरा दिमाग में जो चल रहा ना काफी लोगों ने मुझे उस टाइम बोला कि आपने इस डॉग को एज ए एक्सपेरिमेंट किसने किया. घूस की डेथ हो जाती है अगर वो ऑपरेशन नहीं होता तो भी होती. ऑपरेशन से 1% चांस था कि वो बच सकती थी लेकिन वो नहीं बची बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेज पे जा चुकी थी. बट उसकी वजह से
बहुत सारे जो दूसरे एनिमल्स हैं मुझे पता है वो बच्चे हैं एंड दैट इज व्हाट यू नो मैटर्स कि अगर आप ये नहीं कि उसको हमने कोई सैक्रिफाइस किया हम तो चाहते थे वो बच्चे इसीलिए मैंने उसको वहाँ से बुलाया नहीं तो वही मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं उसका ट्रीटमेंट ना कराऊँ और एक दिन लिखूँ कि रेस्ट इन पीस वो मर गई इस वजह से ये तो सबसे आसान तरीका है क्यों मैं इतना दिमाग लगाऊंगी और मुझे कुछ नहीं मिला इसके बदले बट वही मैं कह रही हूँ कि वो जो विजन है ना वो मुझे लगता है बहुत लैकिंग है लोगों में कि वो सोच नहीं पाते इतना दूर का कि शायद ये करने से कुछ और अच्छा निकल गया ना काफी सारे बच्चे उसके बाद मुझे पता है कि सर्जरीज हुई और वो आई गेस आपकी और मेरी सोच एक बार पे मिलती है कि फंडिंग की वजह से ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए और कोई भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं रुकना फंडिंग मैं भी जब कोई डॉगी उठाती हूँ ना मुझे पता है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े बट किस्मत है अपने आप उसके लिए फंडिंग करते हैं वो आई जाएगी और मैंने कहा ना कि आप अपने रिलेशनशिप बिल्ड करो कि आज मैंने अगर मैक्सवेल से ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड किया तो वो एक दिन में नहीं हुआ पहले हर दिन हम रियल बिल्ड किया करते थे मुझे अभी भी याद है फिर जब 6 महीने तो मैंने हिम्मत कर दी घूमते थे 3 डेज में कर देते मैंने कहा ठीक है फिर वो 15 डेज से 1 महीने और अब तो 6, 8, 10 महीने भी हो जाते हैं और आप किस तरह से सामने वाले से बात करते हो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वेट जितने भी वेट्स हैं डेली मुझे नहीं लगता कि कोई भी इल इंटेंशन है अनलेस देखिए 1% तो हर प्रोफेशन में होता है राइट मोस्टली सारे यही चाहते हैं कि जो केस उनके पास है वो ठीक हो जाए और मुझे लगता है कि ये सिस्टम में किसी भी वेट के साथ बिल्ड कर सकती हूँ अगर वेट को भी दिख रहा है कि आप भी उनकी बात मान रहे हो और आप उनकी बात सुन रहे हो और टाइम से पेमेंट कर रहे हो और आप उनके साथ चिक चिक खिच खिच नहीं कर रहे हो बहुत रेस्क्यूअर्स क्या होते हैं ना कि डॉक्टर को ही जाके बताने लगते हैं कि आप ऐसे करो अब यार उन्होंने पढ़ाई की उनको पता है कि उनको क्या कर रहे हैं अब आप उनको जाके सिखाओगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट तो मेरे को ऐसे लगता है कि जहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए ना कि शेल्टर चलाना आपको आता है इलाज करना उनको आता है सबसे बेस्ट करेंगे उस दिन आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सो मैंने तो मैक्सवेल को फ्रीडम है कि कॉल पे आपको जो टेस्ट करना है आप करो क्योंकि वो रिक्वायर्ड है वो ऐसे नहीं करते मुझे लगता है जब आपकी वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना आपके अपने रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपको इतना क्रेडिट दे रहे हो और आप आराम से अपना काम कर पाओ दैट इज अ ब्लेसिंग सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड मतलब जितने भी वेंडर्स हैं हमारे और एक और चीज मैंने जो नोटिस की है कॉ के लिमिटेड वेंडर्स हैं हम उन्हीं के साथ 8-10 साल से काम करते हैं हम किसी और के साथ नहीं करते अगर मैं एक डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ नहीं कर रही और मेरे को लगता है कि मैं थोड़ी इंटेलिजेंट हूँ मैं अपने आप को कह सकती हूँ उस मामले की मैंने मैक्सवेल को चूज किया मुझे पता था कि ये ग्रो कर रहे हैं और इनके पास सारी चीज़ें हैं साथ तो मुझे 10 जगह नहीं जाना पड़ता है कि सीटी स्कैन कराने कहीं और जा रही हूँ कि एक्सरे कराने कहीं और जा रही हूँ सिमिलरली जो हमारा ब्लड वाले सैम्पल्स वाला वेंडर है या मेरा रिलोकेशन हो गया या मेरा फूड वेंडर है मेरे सब सेट है मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ तो उनको भी पता है कि मैम कहीं और नहीं जा रही और मुझे भी पता है कि मैं उसको 10 दिन पेमेंट नहीं भी करूंगी तो मेरा मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई वीडियो आप ऐसी नहीं देखोगे जहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ खाना नहीं है कल से खाना नहीं मिलेगा इनको मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं आने देनी चाहिए तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों से रिलेशनशिप अभी तक जहाँ तक मैं जानती हूँ सबसे ज्यादा ओवरसीज एडॉप्शन आपने करवाई तो ये आइडिया आपको क्यों आया और क्या इंडिया में अडॉप्टेड नहीं है आप इंडिया में क्यों नहीं करा रहे आप ओवरसीज क्यों भेज रहे बाकी सारे यूएस कैनेडा पहले क्या होता था क्योंकि कॉ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल केस होते हैं मतलब आप देखोगे कि बहुत ही क्रिटिकल केस होते थे तो हम अरे डॉग्स में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप क्रिटिकल पर देखोगे क्योंकि बीमारियां ही ऐसी होती हैं तो इंडियन लोग को बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं होते एक पपी ही हेल्दी हो तो फिर भी ले लेते हैं बट अगर एक डॉग एम्प्यूटेटेड हो आँख में कोई प्रॉब्लम हो कुछ खराब हो तो वो लेना नहीं चाहते तो हमारे पास ऑप्शन एक ही था जब हमें पहला हमारा ओवरसीज अडॉप्शन हुआ तो हमें लगा कि यार ये तो सही है कोई तो ले रहा है और उससे हम बहुत सस्ता होता था मतलब लाइट वॉलंटियर्स भी होते थे तो आप 1 लाख रुपये में डॉग नहीं भेज पाते अभी तो 5 लाख रुपये में आप नहीं भेज पाते पिछले 3 सालों से इसीलिए कौन है अनलेस बहुत ही नीडी केस हो हमने बंद कर दिया क्योंकि एक तो क्या होता है ना मैंने आपको बोला ना कि जहाँ पे आप यू आर ओपन टू लर्निंग ना यू विल फाइंड अ वे
मैंने 5 साल डॉग खेले, बहुत लोगों ने वाह वाह किया, अरे आप इतने डॉगों को सीखे, बट मुझे ना एक चीज समझ में आने लगी, एक तो इसमें पैसा बहुत लग रहा है, तो अभी भी मैं चाहती हूँ कि मेरे जो एकदम नीडी डॉग्स हैं जिनको बहुत ही जरूरत है, इसमें गुन्नू है, उसके तीनों पैर नहीं है, उसको कोई लेने को तैयार है, प्रोस्थेटिक लगवाने को तैयार है, दिस डॉग शुड गो, उसकी कोई लाइफ नहीं शेल्टर में, वो चल भी नहीं सकता है ठीक से, मतलब चलता है जो उसका विल है, बट अब अगर आप मुझे पूछोगे ना तो मेरा इंक्लिनेशन कम होते जा रहा है कि ओवरसीज अडॉप्शन, एक क्योंकि जब वहां पे प्रॉब्लम होती है चाहे वो एक ही डॉग में हो तो आपको यहाँ पे बैठे बैठे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप क्या कर लोगे यहाँ से, मैंने तो निकाले हैं 2 डॉग, तो मुझे पता है कि पैसा टाइम, पिछले इस 1 महीने से पहले की बात है जब मेरा अभी रिसेंटली एक डॉग है लॉकी वो निकला है, मतलब मिशिका आई थिंक मेरे 10 साल के शेल्टर चलाने में इतना स्ट्रेस नहीं है जितना मैं उसमें, मतलब मेरे को हर दिन ऐसे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने क्यों भेजा उसको, मैंने देखे थे आपको, मतलब मैं इतना स्ट्रेस हो गई, और मुझे नहीं पता कि लोग कैसे लाइटली लेते थे, कुत्ता चला जाता है मर जाता है गायब हो जाता है, मतलब मैं 1 महीने तक मैंने मेरे से कोई जनरली देखो पीछे कोई कुछ भी बोले बट मेरे से कोई गलती नहीं थी, आज तक एनिमल वेलफेयर में भी ऐसी किसी ने करी नहीं है, ना मैं ज्यादा लोगों से बात करती हूँ, जो लेडी जिसके पास डॉग था, मतलब मिशिका अगर मैं उसकी चैट दिखा दूँ ना, पहली बार जिंदगी में मैंने ये सब सुनने के बाद उससे प्लीज प्लीज कर करके बात की, क्योंकि उसके हाथ में मेरा डॉग था, मेरा बस ये था कि निकल जाए वहां से उसके हाथ से, मतलब वो 1 महीना ना मैं सो पाई हूँ, ना मैं ठीक से खाना खा पाई हूँ, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस थी कि जिस दिन वो निकला है ना उस दिन मेरे को लग रहा है 2 दिन सोई हूँ एकदम आराम से, कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे कोई बात भी ना करे, तो वो जो स्ट्रेस था ना उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब यहाँ दिल्ली NCR में तो जाके उठा के ला सकते हैं, अब US में कहीं फंस जाए या कैनेडा में कहीं फंस जाए, चलो हमारे पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, वो मेरे पार्टनर्स ही थे जिन्होंने हेल्प करी, और मतलब एक हमारी अडॉप्टर है वो लेके आई उसको, पूरा ट्रैवल करा के लेके आई वापस इंडिया है, नहीं नहीं वो हमारी जो US में हमने अभी हमारी एक सैंक्चुअरी के साथ हमने पार्टनरशिप कर ली है, तो वो और हम पार्टनर है तो उसमें अब हमारे डॉग्स जा सकते हैं, तो वी हैव अ प्लेस नाउ इन US, तो लॉकी वहाँ पे, बट यू नो वो जो एक स्ट्रगल था ना 1 महीने का उसके बाद, और फिर ये भी लगता है US में बहुत डॉग्स होते हैं, आप यहाँ से भेज लो चाहे एक ही भेज लो, वहाँ पे भी तो एक यूटिलाइज हो रहा है, उसको तो घर नहीं मिल रहा, तो ये भी लगता है थोड़ा सा, और अब थोड़ी बड़ी जगह है हमारे पास, ये भी मुझे तो लग रहा है भरी जाएगी थोड़े टाइम में, जैसे ही आप नोएडा में हम केस देना शुरू करेंगे, एक तो मुझसे ऐसे ही केस रिलीज थोड़े मुश्किल से होते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगने लगता है, जैसे मैं कुछ मतलब मेरी टीम फिर भी थोड़ी सी दिल से यू नो वो है कि आप छोड़ दो, मैं तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेती हूँ, इसके पैर में ऐसे है, इसके आंख में ऐसे है, वो कहते हैं कि आप नहीं होने दो इसको, तो वो एक नेचर है यू नो, ऐसे लगता है कि यार अब 1 महीने रह गया उसको, अब यहाँ खाने की आदत पड़ गई है, कूलर में बैठने की आदत पड़ी, कैसे रोड पे जाके कैसे रहेगा, सो अनलेस एकदम 100% पता है कि कोई केयर टेकर है और कोई एकदम इसको टाइम से खिलाएगा पिलाएगा, तब तक मेरा मन तो नहीं करता है कि वापस से रोड पे जाए और उसको कुछ, इनफैक्ट मुक्ति का ही आप देखो ना एग्जांपल, जब मैंने मुक्ति को भेजा था ना आपके पास, तो मतलब उसके तो ट्यूमर्स इतने सारे थे, ऊपर से वो प्रेग्नेंट और उसके ट्यूमर्स में से कुछ ब्लड निकल रहा था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती वो मेरे लिए कितना ज्यादा मुझे बुरा लग रहा था उसके लिए, कि एक तो पपीज हुए जा रहे हैं, ट्यूमर है उसको हर निपल पे, उसको तो पूरा उसका चेहरा ही लगा, उसको हर ट्यूमर था, पपी पपी उसके उसी ट्यूमर वाले निपल से उन्होंने मिल्क लिया है, क्योंकि स्ट्रे है हम नहीं, हम कितनी लिमिटेशंस लगाते हैं, शेल्टर में हम पपीज नहीं रख सकते, क्योंकि अगर एक बार वो अंदर रह गया किसी के घर में फोस्टर कर लिया तो वापस पे नहीं सकते, फिर किसी somehow भी मैनेज की हाँ ठीक है पपीज को वहीं रखते हैं रोज देखना उतना, जैसे ही वो पपीज थोड़े बड़े हुए यू सेड की हाँ ठीक है भेजो, अब उसका वो पूरा रिमूव हुआ, बट जब वापस जाके वो उस जगह पे सेटल हुई उसके 2 साल बाद मेरे को फेसबुक पे पोस्ट दिखता है कि मुक्ति के फिर से ट्यूमर आ गया, क्योंकि मैं रेगुलर वहां नहीं विजिट करती और केयर टेकर्स होते जो थी उसकी शादी हो गई थी जो कर रही थी, बट क्योंकि वो मार्केट एरिया है ना खाना पीना उनको भरपूर मिलता है, कोई भी अनहेल्दी डॉग नहीं, बट मैंने देखा फेसबुक पे ये है वो कहीं और भेज रहे थे, मैंने कहा नहीं इसकी हिस्ट्री मुझे पता है और आपको पता है, मैंने कहा जाएगा तो ये वापस वहीं रहेगा, और मैंने आपको मैसेज करा और आपने इमीडिएटली बोला हाँ, क्योंकि हाँ कॉ के मतलब हमारा तो आपको पता है ये रूल है, अब तो कार्ड भी देते हैं, हमारा तो कॉ का रूल है, अगर कॉ से डॉग गया तो वो कॉ में ही आना चाहिए,
क्योंकि क्या होता है, एक तो हमें हिस्ट्री पता है और प्लस मेरे को बड़ा अटैचमेंट है, रिलीज भी कर दिया ना अभी ये किया किंकी करके ब्लॉग पे, मतलब 10 साल पहले आए थे, मुझे याद है अभी 2-3 साल पहले उनका मैसेज आया कि वैक्सीन 7 साल मतलब आज से 10 साल हो गए उनके पास, मैंने फिर भी अपना स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अब तो हम एल्यूमिनाई कार्ड देते हैं तो डॉग की फोटो होती है, केयर टेकर का नाम होता है, उसमें फोन नंबर होता है, सब कुछ होता है, आपको बस वो कार्ड दिखाना और फॉर्म है, तो जैसे बाकी एडमिशन तो हम फिर भी क्लोज हो चाहे कुछ, लेकिन अगर हमारा एक्स डॉग है तो वो हम इमिडिएटली देते हैं, और अगर बूढ़ा बूढ़ा हो गया तो नहीं, रिटायर हो जाए उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो हमारा आज से नहीं डे वन से हमारा रूल है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम एल्यूमिनाई कार्ड दे रहे हैं तो लोग तो इसको एक बहुत अच्छी चीज समझते हैं बिकॉज वो चाहते हैं एक और डॉग ले लें, और ये तो फ्री एंट्री है, मतलब इसमें तो नो क्वेश्चन आते हैं कि मेरे को पूछना भी नहीं है, हमारा डॉग है लाके दे दो वापस से हमें। अभी मेरे पास गौरी है, थर्ड टाइम आई है, थर्ड टाइम एक्सीडेंट हुआ, स्पाइन टूट गई थी, अब तो उसको हम रिलीज भी नहीं करें, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है, बट अब इसीलिए बुरा लगता है ना कि दो बार ठीक किया दोनों बार, और अंजलि जो वो चलाती है फीडिंग करवाती है, मतलब उससे अच्छी चीज वन ऑफ द बेस्ट रेस्क्यूअर आई ना, एकदम तमीजदार लोग जो होते हैं ना कि अपना डॉग भेजती है, पूरा उसका रिपोर्ट लेती है, वापस से भी ले जाती है। गौरी को उसने दो बार बोला रिलीज कर दिया, तीसरी बार अब इसका इतना खराब एक्सीडेंट हो गया, तो शी वॉज ऑलवेज ओवरवेट, तो मेरे हिसाब से या तो उठने में देर लगा देती है या जो भी, मतलब शी इज ओवरवेट, तो एक्सीडेंट हो गया, मुझे बुरा लग रहा है कि क्यों रिलीज किया। जब सेकेंड टाइम मेरा मन बड़ा ही हो रहा था नहीं रिलीज करे, तान्या ने मेरे को बोला कि दीदी आप भर लोगे 500 कर लोगे थोड़े दिन, आप जिस तरीके से कर रहे हो रिलीज कर दिया, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि अगर रिलीज नहीं किया होता तो एक्सीडेंट नहीं होता, बट वही बात है ना कि 100 में से किसी एक डॉग को हो जाता है, बट लेकिन हाँ ये है कि मतलब शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो अंजलि के बहुत सारे डॉग्स है, अगर स्टेरिलाइजेशन के लिए भी डॉग आया तो उसको भी हम काट देंगे, कुछ कुछ रेस्क्यूअर्स है, शर्नाज इटालिया हो गई, उनसे तो काफी बार मैं मिली भी हूँ, उनसे कभी कभी फोन पे भी बात हो जाती है, ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने जो खुद भी रेस्क्यू करते हैं दूसरों को भी देते हैं, तो उनके ऊपर ना ऐसे बोझ नहीं बनाते, उसको फंड भी रेज करके देते हैं, मैं मतलब ऐसा हमारा कुछ नहीं करा तो करा, नहीं करा तो भी ऑब्वियसली हम तो जो इलाज करना करेंगे, बट द फैक्ट दैट यू सोचते हैं कि भैया शेल्टर गया तो उनको भी जरूरत हो सकती है, तो आई थिंक दे आर वेरी दीज अ गुड पीपल, अपना भी काम करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, सो आई लाइक, और उनका काम बहुत अच्छा भी है। हाँ हाँ, दे डू अ लॉट ऑफ फीडिंग स्टरलाइजेशन दोनों ही लोग, हमारे यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये भी आती है स्टरलाइजेशन ही नहीं कराने के लिए, अगर स्टरलाइज डॉग्स हो गए पपीज कैसे पैदा होंगे, पपीज नहीं पैदा होंगे तो फीडर फंडिंग कैसे रेज करेगा। आई थिंक दो चीजें इसमें मिश्रा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो ये भी है ऑब्वियसली कि काफी लोगों का जो भी बोलो काम बंद हो जाएगा, तो मतलब क्या इस चीज पे तो क्या ही डिस्कशन करें, बट सेकंड मुझे लगता है ना बहुत लोगों को ना एक इमोशनल साइकोलॉजिकल थिंग भी है इंडियन डॉग्स के बारे में कि अरे रोड पे डॉग ही नहीं होंगे, बट मुझे ये नहीं समझ पाता, जो मेरे को मुझे लगता आपको डॉग क्यों चाहिए, जस्ट बिकॉज आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है अरे ये खेल रहे हैं कूद रहे हैं मेरे को चल रहे हैं, बट आप कभी हेल्थी डॉग की भी लाइफ क्या होती है, कभी एक्सीडेंट हो गया होगा, कभी किसी दिन पूरे दिन खाने को नहीं मिलेगा, कभी किसी दिन पूरे दिन पानी नहीं मिलेगा, कभी बारिश में, कभी धूप में, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है ये भी एक डॉग है लोगों के साथ कि एनिमल लवर भी जो रोड पे देखना चाहते हैं क्यों उठाओगे, क्यों नहीं होने चाहिए रोड पे डॉग, बट मुझे ऐसा लगता है क्यों होने चाहिए रोड पे डॉग, हर डॉग को या तो घर होना चाहिए या स्टरलाइज होके कोई डॉग ही नहीं होना चाहिए। अभी परसों किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि आपका एंड गोल क्या है कॉप, मैंने कहा कॉप होना ही नहीं चाहिए, कॉप बंद हो जाना चाहिए, जिस दिन कॉप बंद हो गया उस दिन मतलब हम सक्सेसफुल हो गए अपने काम में, अगर मेरे को बढ़ाना पड़ रहा है मतलब हम ये कोई बिजनेस थोड़ी ना जो बढ़ाऊंगी मैं इसको, एक होता है ना बिजनेस एक दुकान से दूसरी दुकान खुली तीसरी दुकान खुली मैं खुश हो गई, वो नहीं है, दिस नीड्स टू बी क्लोज, दैट इज द डे आई कैन से दैट आई एम सक्सेसफुल, देयर इज नो डॉग दैट नीड्स रेस्क्यू। जिस दिन लोगों को या रेस्क्यूज को ये समझ में आ गया ना आई थिंक दैट डे द रियल एनिमल वेलफेयर। आप स्टरलाइजेशन का बताइए आपकी मतलब कौ में स्टरलाइजेशन ड्राइव होती है या फिर यहाँ पर स्टरलाइजेशन परफॉर्म होता है? सो कौ का ऐसा है कि जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तो पहले 2-3 साल में 300-400 स्टरलाइजेशन और वो स्टरलाइजेशन हम कर रहे थे किसी बड़े शेल्टर के थ्रू जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि उनमें से जब हमने एक डॉग उसको वहां से डिस्टेंपर हो गया और मुझे पर्सनली आई नो कि अगेन एज आई सेड कि
मेरा ना ऐसे बिना बात के कोई डॉग मर जाता है ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि स्टरलाइजेशन वाले डॉग तो मुझे लगता है कि एकदम 100 में से 1% को ही कोई इंटरनली इशू है तो अलग बात है. अदरवाइज आप एक सोचो, आप एक हेल्दी डॉग है, आपने उसको रोड से उठाया, उसको पता भी नहीं बेचारे को क्यों उठाया, आपने तो अच्छा सोच के उठाया, लेकिन अगर वो डिस्टेम्पर या किसी और इन्फेक्शन की वजह से मर गया, बिकॉज यूनिट इज नॉट क्लीन, देन इट्स नॉट करेक्ट. राइट, मुझे मॉरली ये बहुत गलत लगता है. तो फिर हमने सोचा कि हम प्राइवेट ही कराएंगे, तो हमने एक प्राइवेट वेट ढूंढा और हमारी कॉस्ट आती थी अराउंड 2,500 रुपये एक डॉग को स्टरलाइज करने की. आई थिंक डॉक्टर लेता था 1,500 या 1,800 रुपये और उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्लस जो हमारे यहाँ 3-4 दिनों का है वो, प्लस ब्लड, और हम ब्लड टेस्ट भी कराते हैं डॉग्स का और वैक्सीनेट भी करके भेजते हैं डॉग्स को. अब वो 2,500 रुपये भी लोगों को बहुत कॉस्टली थे, बट ऑनेस्टली 2,500 रुपये में तो कुछ होता भी नहीं था. मतलब मैं तो ऐसे ही एक रफ कैलकुलेशन बना के लोगों को बोल दिया कि 2,500 दे दो, लेकिन वो करते करते एक डॉग पे 5,000 रुपये लग ही जाते हैं. हमारे यहाँ क्या है कि पहले सारे टेस्ट होंगे, अब मान लीजिए उसमें से किसी को टिक फीवर है तो मेरा ये भी नहीं है कि उसको जाके रिलीज कर दो, फिर मैं उसको रखती हूँ, फिर पहले उसका टिक फीवर ठीक करने लग जाती हूँ, जो उसको प्रॉब्लम है वो ठीक करने लग जाती हूँ, तो 10-15 दिन तो उसी में लग जाते हैं. अब आप टिक फीवर वाले डॉग को अगर स्टेरलाइज कर दोगे तो वो तो ब्लीडिंग से ही मर जाएगा. राइट, तो ये मेरे साथ ये बहुत होता था, तो मुझे लगा कि मेरे लिए वे आउट पर्सनली प्राइवेट वेट ही था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ऐसे कैंप्स में भेज के तो नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि एक जब डिस्टेम्पर हुआ तो मेरा तो मन बहुत ही ऐसे हो गया था, मैं बहुत दुखी सी हो गई थी कि ये क्या हो गया. तो उसके बाद लेकिन लोगों को वो 2,500 रुपये बहुत ज़्यादा लगते हैं. और दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये सारे मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है, कि लोग ना अभी भी अगर आप मेरे पेज पे जाओगे इंजरी वाले डॉग के लिए ना, आप 1,00,000 रुपये भी फंड रेज करोगे हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं ना स्टरलाइजेशन के लिए कोई विजिबल इंजरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, तो लोग 2,500 रुपये भी डोनेट नहीं करना चाहते. आप ये दिस इज लाइक माइंड, मैं आपको एक जस्ट बात बता रही हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है स्टरलाइजेशन कि या तो आप जो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिलते हैं वो कर सकते हो, और अब तो आई थिंक लॉज भी कुछ बदल गए हैं, तो एनजीओ जिनके पास वो नहीं है स्टरलाइजेशन का अप्रूवल या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कर भी नहीं सकते. तो अगर आज मैं चाहूँ कि कॉ उठा के यहाँ से डॉग स्टरलाइज करने लगे तो वो मैं नहीं कर सकती, तो वो एक बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट हो गया. पहले हम कर रहे थे, बट एटलीस्ट जो हमारे पास डॉग्स आते हैं, जो हमारे रेजिडेंट डॉग्स हैं या जिनको हमें रिलीज करना होता है उनको तो हम करवा के ही रिलीज करते हैं. तो ये 2-3 चीज़ें हैं, बट अभी भी लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फंडिंग तो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है ही. सेकेंडली थोड़ा सा लोग भी ऐसे हैं जिनको पता नहीं, आई डोंट नो क्या शौक है कि पपी होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, आप उनका नेचुरल वो यू नो हक वो कर रहे हो. पता नहीं अजीब अजीब सी मतलब बातें और आर्ग्यूमेंट करते हैं लोग कि आप डॉग्स को क्यों स्टरलाइज करा रहे हो, आप उनका नेचुरल वो खत्म कर रहे हो, मतलब हैबिटेट खत्म कर रहे हो. मतलब मैं तो यही बोल रही हूँ कि करोड़ों डॉग्स हैं, मतलब कोई वो नहीं है कि ये मतलब थोड़े दिन में डॉग्स होंगे ही नहीं, डिसअपियर नहीं होने वाले जो आप इतनी टेंशन में आ रहे हो. बहुत डॉग्स हैं और डॉग्स को पैदा होने की जरूरत नहीं है, नॉट बिकॉज न्यूसेंस है, बट बिकॉज देयर लाइफ इज नॉट बिकम स्वीट, विच इज अ वेरी सिंपल पॉइंट विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड. सो यस, मैं तो लोगों को यही बोलूंगी कि जितना हो सके अगर अगर मुझे कल को स्टरलाइजेशन के लिए डोनेशन आने लगे तो मैं तो रेस्क्यू ही लेना मिलती हूँ. मुझे लगता है जितना आप स्टरलाइजेशन कराओगे आपको रेस्क्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि डॉग कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, ये जो सब कुछ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है. अगर डॉग्स ही नहीं होंगे तो ये सब होगा ही नहीं ना. और जब मैं कह रही हूँ डॉग्स नहीं होंगे, मेरा ये नहीं है डॉग्स को हटा दो दुनिया से, तरीके से मतलब स्टरलाइजेशन कर करके कम कर करके उनकी पॉपुलेशन ही आप कम कर दो, ताकि वो इस तरीके से यू नो सफर ना करें. ये तो मैं ऐसा सोचती हूँ, बट वही है कि बिना सपोर्ट के तो आप कुछ कर नहीं सकते. जब तक डोनर्स नहीं करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नहीं करेगी, इसके लिए इंडिविजुअल रेस्क्यूअर्स जो है ना उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और स्टरलाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा. आप फीडिंग कराते हो, यू आर द बेस्ट पर्सन जो इस चीज़. और मैं ये चीज़ बोल चुकी हूँ, बहुत सारे फीडर्स हैं जो आते हैं हमारे पास, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप महीने में 10,000 रुपये का खाना, मैं देख रही हूँ कि आप फंड रेज कर रहे हो, आप बोल रहे हो 100 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, 1,000 रुपये चाहिए, उतने में ही 4 डॉग्स का स्टरलाइजेशन हो जाएगा. बट आप वेट कर रहे हो कि उसके बच्चे हो, फिर आप उन बच्चों को भी फीड कराते हो, फिर उनके बच्चों के बच्चे होते रहते, मतलब ये चलता रहता है, दिस इज नेवर एंडिंग. 100 से 500 खर्च
हो रहे हैं वो ज्यादा नहीं लगता वो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज अ कैलकुलेशन इशू है या पता नहीं क्या इशू है बट आई थिंक जब लोग ये समझने लग जाएंगे कि आप जितने ज्यादा डॉग्स को स्टेरलाइज करा सकते हो और जितना आपको फीडिंग कम करना पड़े उतना अच्छा है. और एक और चीज़ है कि एक तो लोग यहाँ पे दो दो तीन तीन टाइम फीडिंग कर रहे हैं डॉग्स को. मैंने कितनी बार लोगों को बोला कि आप एक टाइम फीड करो डॉग को, आप क्यों मतलब उनको ऐसे इंडिपेंडेंस आप उनकी खत्म कर रहे हो बिल्कुल कि वो एकदम आप पर डिपेंडेंट हो गए. और फिर कुछ बहुत केसेस में ये भी होता है जो पर्सन यहाँ पे खिला रहा है आप परमानेंटली वहाँ पर नहीं हो, कहीं आपको मूव होना पड़े ये या तो आप मूव नहीं हो सकते या फिर आप छोड़ के चले जाओ. मैंने एक इंटरव्यू किया था, मुझे अभी भी याद है, मैंने उस इंटरव्यू में ये बात बोल दी थी. तो आप कुछ एनिमल वेलफेयर के लोग बड़े ऑफेंड हो गए थे और मतलब उन्होंने उसको रीशेयर कर दिया कि ये मैडम रेस्क्यू चलाते हुए है. मैंने सिर्फ उसमें ये बोला कि तो किसी के घर के सामने मत खिलाओ और दिन में एक ही बार खिलाओ, आप क्यों उसको तीन बार खिला रहे हो. मैं ये नहीं कह रही उसको भूखा मार दो, बट अगर वो डॉग रो उसका एक इंस्टिंक्ट है हंट करने का, अपने लिए खाना ढूंढने का, आप उससे वही चीज ले रहे हो बिकॉज आपको आप उसको चार बार खिलाना चाह रहे हो. आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी हंग्री, बट देन जब आप चार साल बाद शिफ्ट होते हो तब आप शेल्टर्स को फोन करते हो कि आप हेल्दी डॉग उठा लो, हाँ. खाना खिलाने वाला कोई नहीं और लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए. करेक्ट, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो फीडर्स, जैसे मैंने कहा अंजलि है, शर्नाज है, कोऑप वेलफेयर है, ये लोग भी मैसिव नंबर ऑफ डॉग्स को फीड कराते हैं बट दे स्टेरिलाइज राइट. दे आर डू एंड उनका दे से उनका मोटिव ये कि फीडिंग कराने से डॉग फ्रेंडली हो गया और वो उठा हुआ स्टेरिलाइजेशन करा. तो यस, अगर कॉम में वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है कि जहाँ पे मतलब अगर 10-12 लाख रुपये फंड रेज सिर्फ स्टेरिलाइजेशन के लिए, मैं तो मेडिकल यूनिट भी बंद करती हूँ स्टेरिलाइजेशन करूँ, मतलब अगर वो पॉसिबल हो तो. बट अभी और एनजीओस हैं जो कर रही हैं और वो बहुत अच्छा कर रही हैं. मैंने अभी रिसेंटली मोर देन 70 डॉग्स करवा दिए हैं और मतलब एक ही बारे में लाइन, एक बार गाड़ी आती दोबारा जाते हैं, गाड़ी आती दोबारा जाते हैं, यही चल रहा था. क्योंकि मैंने स्लम एरिया में से जाते भी करवाए हैं और स्लम वाले इतने कोऑपरेटिव थे, उन्होंने इतने अच्छे से हेल्प भी करी, अपने डॉग को अंदर बंद कर दिया, गोदी में उठा के गाड़ी में डाल दिया कि आप ले जाओ, ठीक है, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, पपीज होते हैं मर जाते हैं, पपीज होते हैं मर जाते हैं. यू वॉन्ट बिलीव, जो स्लम में से डॉग हमने उठाए हैं ना, उनके पूरे कान भरे हुए टिक से, ये पूरा बॉडी टिक से भरा हुआ है. बट ये दैट्स अ प्रॉब्लम कि लोग समझते नहीं है कि वो उन डॉग्स की लाइफ एनी विच वे इट बी कट शॉर्ट अगर उनका एक्सीडेंट हो गया. तो मैं तो लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ कि फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी कराती थी, मैं भी फीडर थी. आज भी मेरी कॉलोनी में जो डॉग्स है 5-6 में थे और मैंने सारे डॉग्स स्टेरलाइज करा दी, मेरी कॉलोनी में एक डॉग उल्टे अब जो नहीं स्टेरलाइज है वो आ रहे हैं वापस से अंदर. बट जो मेरे कॉलोनी में जब तक स्टेरलाइज डॉग थे 5 डॉग्स कभी ऊपर नहीं थे. तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्यों आप नहीं कर सकते. 5 थे पूरी 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 की पूरी कॉलोनी उनको फीड कराती थी क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो लिटर नहीं कर रहे थे, वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो काम वाली और किसी के पीछे नहीं भाग रहे थे, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था. अपने अपने आप धीरे धीरे नेचुरली यू नो उनकी डेथ हो गई. वो 5 आके भी कॉम में ही उनकी डेथ हुई क्योंकि बीमार हुए, बूढ़े हुए और ऑब्वियसली कॉल आई मैं उनको, तो वो यहीं पर उन्होंने अपना लास्ट जो भी था सब 12-12, 13-13, 14-14 साल. तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हेल्दी है डॉग्स के लिए रादर देन कि आप उनको फीड करते रहो, उनके बच्चे पैदा कराते रहो, उसका तो कोई मतलब एंड नहीं है उसका. तो गाइज आई होप आपको ये कॉन्वर्जेशन अच्छी लगी होगी क्योंकि वंदना मैम है जिनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है और मैं चाहती हूँ इस तरह की स्टोरीज मैं आपके लिए और भी लेकर आऊँ और जगह पर भी मैं आपको विजिट करवाऊंगी. उनकी जानेंगे स्टोरी किस तरह से उन्होंने शेल्टर क्यों खोला और क्या उनका मोटिव है आगे जाके उनको क्या करना है. तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे होंगे. प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे यहीं दिखेगा. आप जब लाइक करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब कमेंट करोगे ना तो मुझे और भी बहुत अच्छा लगेगा. मुझे मोटिवेट करते रहो, बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमें सही स्टोरी सामने लेकर आनी है कि इंडिया में शेल्टर रन करना इजी नहीं होता. जो भी शेल्टर रन कर रहे हैं उनकी भी अलग प्रॉब्लम्स होती है. हम घर बैठे बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह कर देते हैं कि वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया. हमें सॉल्यूशन निकालना होगा, हम मिलकर ही निकाल सकते हैं. तो प्लीज़ आप कुछ बोलना चाहोगे मैम? सो आई थिंक मिश्का, एक तो थैंक यू सो मच कि आपने ये यूट्यूब चैनल बनाया, बिकॉज एज आई सेड कि सेल्फ प्रोक्लेम लोग तो बहुत हैं जो रैंडम वीडियोस बनाते हैं, बट प्लीज़ सपोर्ट हर, बिकॉज बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो
जिनका अपनी पब्लिसिटी से ज्यादा एक्चुअल मोटिव ये होता है कि लोगों तक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहुंचे. सो प्लीज सब्सक्राइब टू हर यूट्यूब चैनल. थैंक यू. मतलब मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है यहाँ पर, खाने पीने के लिए भी बहुत मिला है, पार्टी हटी हुई है हमारी. चलो ठीक है, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय.